नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देरौली में शीतला माता मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मंदिर के अंदर खुदाई कर उसको खंडित कर दिया। शुक्रवार रात का मामला बताया जा रहा है। सुबह जुगा डालने आया तो सतीश शर्मा मंदिर को खुदा हुआ देखकर गांव वालों को बताया, जिसमें रामोतार जांगिर किसान यूनियन का अध्यक्ष पुकराज गुजरवा गांव के युवा साथी भी उपस्थित रहे। इसकी सूचना राजगढ़ थाना को दी गई। पुलिस का बिट इंचार्ज मौके पर आए और मंदिर का निरीक्षण किया और जांच करने की बात कही। अब हमारा राजगढ़ साहब के जो प्रशासन आया उसका ये कहना है कि इसकी जांच करेंगे और कुछ बताना है। जांच करेंगे, अभी इसमें पता लगाएंगे क्या मैटर है। ठीक। हाँ नमस्कार, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा आपको दिखा रहे हैं। रैणी पंचायत समिति ग्राम पंचायत डोरली में शीतला माता का मंदिर में कुछ चोरी का मामला सामने आया है, तो हमने इसकी पड़ताल की है। हम जीरो ग्राउंड पहुँच गए। डोरोली ग्राम पंचायत की शीतला माता मंदिर है। यहाँ पे किसी उपद्रवियों ने इसको रात में खोदकर इसको अपवित्र करने की कोशिश की है। कैमरामैन से बोलेंगे उसको अंदर से भी दिखाएं। किसी असामाजिक तत्वों ने इसको शराब के नशे में, यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो इसको खोद के इसको अपवित्र किया है। आपको दिखा रहे हैं हम, सारा कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको। ये मंदिर है शीतला माता का, रैणी क्षेत्र की डोरोली ग्राम पंचायत की, जो ये पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर किसी भक्तों के द्वारा टैंकरों से पानी भराया जाता है। इधर टैंक, इस टंकी को दिखाइए कैमरा मैन। मैं आम नागरिक इतनी परेशानी उठा के इसको, ये पानी की टंकी है, इसको टैंकर से भराया जाता है और असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर इसका ये बुरा हाल कर दिया है। मैं रैणी से महेंद्र मीणा के साथ, नमस्कार। ऐसे जो ये कृत कार्य करते हैं, इन पर कोई रोक लग जाए, पाबंदी लग जाए, ठीक है? मंदिरों को क्षति पहुँचाते हैं, प्रशासन को सूचित करना चाहते हो? ये पहली बार भी एक यहाँ पर पास में एक तिबार है, उसमें भी ऐसे खुदाई कर गए थे। तो हमारे बीच में ये किसान यूनियन के अध्यक्ष इनसे बात करते हैं। कैमरा मैन से बोलेंगे, इधर दिखाइए, आप बताइए सर। ये देखो, ये जो कार्य हो रहे हैं ये असामाजिक तत्व कर रहे हैं। आए दिन यहाँ गांव में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। प्रशासन को हमने आज तो सूचना नहीं दी, लेकिन पहले जो घटना हुई उनके बारे में काफ़ी हमने सूचना दे दी, लेकिन प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन आज तक आकर के मतलब मुआवना तक नहीं किया कि भाई ऐसा काम कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये पता नहीं है प्रशासन की मिली भगत है या क्या कारण है इसका, हमें कोई पता नहीं। आए दिन यहाँ चोरियाँ तो इतनी ज़बरदस्त हो रही हैं, जो कृषि के जो बोरवेल है उनकी केवल कट रही हैं। और अब ये शीतला माता के ये देख लो, रात को ये किया है, इसमें पता नहीं अब क्या निकला है नहीं निकला है, लेकिन मंदिर का सबका सत्यानाश कर दिया। तो हमारा तो यही मांग है, प्रशासन से मांग है, आप चैनल वालों से भी है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उछाड़ें इसको, भाई ऐसा काम हो रहा है क्षेत्र के अंदर, तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जाँच होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा काम ये रुके। ये जनता में आक्रोश है, हर आदमी परेशान है ऐसे हम असामाजिक तत्वों से। ये जगह ऐसी है, ये सुनसान जगह पे है, यहाँ आकर के जो गुंडे लड़के हैं वो दारू पानी भी यहाँ पीते हैं, पतना भी ये इनकी सहमति से हो रहा है या कोई बाहर का आदमी कर रहा है, इसका कोई पता नहीं है। इसका पता तो प्रशासन को ही लगाना चाहिए। पानी की समस्या है या पानी के बारे में खूब हमने हमारे स्थानीय सरपंचों से विधायकों से भी काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। बाकी ये एक बहुत पुराना चलो मंदिर है और ये पूरे गांव की आस्था है इसमें, लेकिन अब कोई ध्यान नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जो आंखें बंद करके पड़ी है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। पहले भी होता है यहाँ कोई कांड, तो उसके बारे में शिकायत करी, तो कैमरा मैन से बोलेंगे उसको ज़रा दोबारा दिखाइए। असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे
अंदर से। ये डोरोली ग्राम पंचायत की शीतला माता का मंदिर जो पहाड़ों के बीच में बसा है, इसमें सामाजिक तत्वों ने इसको अखंडित कर दिया, इसको कितना होना, इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, इसकी जांच करे। ग्रामीणों का ये कहना है, ये मांग है इनकी, और विधायक साहब और सरपंच साहब से निवेदन है कि आपके 500 लाख रुपए आए हैं यहाँ पे कोटे में, तो एक यहाँ पे बोरवेल किया जाए जो पानी की सुविधा हो, या टैंकर से आमजन डलवाते हैं पैसे इकट्ठे करके। मैं महेंद्र मीणा, रैणी से रिपोर्टर, नमस्कार। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।